आपने कभी ये सोचा है कि भूत प्रेत बस कुत्तों को ही क्यों दिखाई देते हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूतों को देखा है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं में होगा। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कभी न कभी महसूस तो जरूर किया होगा, लेकिन देखा शायद ही किसी ने होगा। वहीं बात करें कुत्तों की, तो कहा जाता है कि कुत्ते नकारात्मक ऊर्जा को देख और महसूस कर सकते हैं, और इसके पीछे कई धार्मिक और साइंटिफिक रीजन भी बताए गए हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई। पर आप लोग वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपने तर्क कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज को धार्मिक ग्रंथों की दृष्टिकोण से देखते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि कुत्ते भूत प्रेत और आत्माओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, साथ ही ये रात के अंधेरे में पितरों और देवताओं को भी देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई बार आत्माएं रात को चलते चलते कुत्तों के आर पार भी निकल जाती है, और ये कुत्ते आत्माओं के आपस में बातचीत करने की आवाज भी सुन पाते हैं, जिससे डरकर कुत्ते रोना व भौंकना शुरू कर देते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जब कुत्ते रोते हैं तो समझ जाइए कि उनके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। और हिंदू धर्म के अनुसार तो कुत्तों का रोना अपशगुन भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों का घर के बाहर रोना ये संकेत देता है कि घर में किसी अपने की मृत्यु होने वाली है या भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। जहाँ हिंदुओं का मानना है कि कुत्ते आत्माओं को देखकर रोते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज का ये मानना है कि जब अजान पढ़ी जाती है तो कुत्ते दूर भागकर रोने लगते हैं। इस्लाम के मुताबिक अजान की पवित्र आवाज सुनकर सभी आत्माएं दूर भागती है, जिसे देखकर कुत्ते डर से भौंकने व रोने लग जाते हैं। वहीं बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान ये बिल्कुल नहीं मानता कि कुत्ते आत्माएं देखने की वजह से रोते हैं, बल्कि विज्ञान का कहना है कि कुत्ते अपने झुंड से बिछड़ने की वजह से रोते हैं, और वो रोकर अपने बिछड़े हुए साथियों को ये संकेत देने की कोशिश करते हैं कि वो झुंड से बिछड़ गए हैं। इसके अलावा विज्ञान का ये मानना है कि कुत्ते भूख के कारण या चोट लगने की वजह से भी रोते हैं। कुत्तों को भूत दिखाई देने के पीछे एक लॉजिक और भी निकल कर सामने आया है। जैसा कि आप जानते हो कि कुत्तों के सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना अधिक होती है, जहाँ इंसानों की हेयरिंग रेंज 20 किलोहर्ट्ज की होती है, तो वहीं कुत्तों की हेयरिंग रेंज इंसानों से दुगनी 44 किलोहर्ट्ज की होती है, जिससे कि कुत्ते वो आवाज भी सुनने में सक्षम होते हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते, और इसी कारण डॉग रिएक्ट करते हैं। कुत्तों के सुनने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि ये बाढ़, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पहले ही भांप लेते हैं, जिसका एक जीता जाता उदाहरण है 2011 में जापान में आए भूकंप की घटना। ये भूकंप 8.9 तीव्रता का था, जिसमें काफी जान और माल की हानि भी हुई थी, और जब इसका निरीक्षण किया गया तो ये सामने आया कि उस क्षेत्र में जितने लोगों ने डॉग्स पाले हुए थे, तो भूकंप आने के कुछ समय पहले सभी कुत्तों का बिहेव बिल्कुल अजीब सा था, जिससे ये तो क्लियर होता है कि कुत्ते वो चीजें भी सुन सकते हैं जो इंसान नहीं सुन सकते। और इन सब तर्कों को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि कुत्ते सच में पैरानॉर्मल चीजें देख सकते हैं या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।